सो हेलो, कैसे हो? हाल चाल बढ़िया सब? सो ये जो सीरीज है ये फाइनली स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो लेके आ चुका हूँ, इस सीरीज का पहला वीडियो। तो ये सीरीज जो है ये मैं वेस्ट बंगाल टूरिज्म के साथ ही स्टार्ट कर रहा हूँ, और वेस्ट बंगाल टूरिज्म का स्पेशली ये जो पहला वीडियो है ये बांकुड़ा टूरिज्म के ऊपर होगा। तो बांकुड़ा टूरिज्म का जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ बांकुड़ा के अंदर नहीं, मतलब पूरे बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में जितना भी टूरिस्ट प्लेसेस है वो सभी इस वीडियो में इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बांकुड़ा के बारे में आपको एक डिटेल गाइडलाइंस आपको इस वीडियो से मिलेगा। तो चलिए, सब भाई लोग, अगर आपको बांकुड़ा घूमने आना है तो उसके लिए आपको एक बेस्ट टाइम मैं बता देता हूँ। तो आप सितंबर से फरवरी तक कोई भी एक महीना में आप बांकुड़ा विजिट कर सकते हैं, क्योंकि समर में जो है वो बांकुड़ा का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, लगभग 50 डिग्री टच कर जाता है। तो उस टाइम पे आप बांकुड़ा नहीं घूम सकते। तो बांकुड़ा घूमने के लिए बेस्ट जो टाइम है वो सितंबर से फरवरी तक ही है। इस जो टाइम है इस टाइम में आपको बांकुड़ा का जो वेदर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो खासकर आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जो मंथ है इस मंथ में आपको बांकुड़ा में बहुत ही ज़्यादा अच्छा वेदर देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप घूमने आते हैं तो इस टाइम पे भी आ सकते हैं, और सितंबर से नवंबर तक भी थोड़ा बहुत ठीक होता है। और इस टाइम पे दुर्गा पूजा भी होता है, मतलब पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा जो त्यौहार है वो होता है। तो वो भी आप साथ ही साथ एंजॉय कर सकते हैं बांकुड़ा। तो कुछ यही था। तो अब बात करते हैं डे वन में। तो डे वन में मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ कि आप बांकुड़ा पहुँच चुके हैं, बांकुड़ा जो टाउन है वो पहुँच चुके हैं। अब बांकुड़ा टाउन कैसे पहुँचेंगे ये मैं इस वीडियो में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। आप चाहे तो बस से आइए, ट्रेन से आइए, या फिर खुद की गाड़ी से आइए, वो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। सो डे वन में आपको जाना होगा मुकुट मणिपुर डैम। सो कंसावती रिवर के ऊपर ये डैम बना हुआ है। सो बांकुड़ा का एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है। सो मुकुट मणिपुर में आपको बहुत सारा चीज़ें देखने के लिए मिलेगा, जैसे आपका मुकुट मणिपुर व्यू पॉइंट, एयर पार्क, और भी बहुत सारा है जैसे सोनार पार्क। तो मुकुट मणिपुर में जितना सारा जो भी टूरिस्ट प्लेस स्पॉट है तो उसका एक अलग से वीडियो मैं पहले ही डाल चुका था टूरिज्म इंडिया के चैनल के ऊपर। तो वहाँ पर जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके आप इजीली उसको देख सकते हैं। तो वो मुकुट मणिपुर टूरिज्म का जो भी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यही से ही आप उसको प्ले कर सकते हैं। सो डे वन में आपको जाना होगा मुकुट मणिपुर। आप मुकुट मणिपुर में ही रहिए और शाम को भी मुकुट मणिपुर में ही रहिए, क्योंकि शाम में वहाँ पर लाइटिंग शो होता है, तो उस शो को आप मिस मत कीजिए। ठीक है, तो शाम होने के बाद लगभग 6 से 7 बजे तक वो लाइटिंग होता है। इस टाइम के मतलब तो बीच में ही होता है, कहीं एग्जैक्ट टाइमिंग तो मुझे नहीं पता है। तो आप 7:30 बजे यानी 7:30 को आप रिटर्न कर सकते हैं बांकुड़ा टाउन। ठीक है, बांकुड़ा से मुकुट मणिपुर जो है वो 60 किलोमीटर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा ही लगता है, 1 घंटा 30 मिनट के आसपास ही लगता है ट्रैवल टाइम। तो वो अगर आप 7:30 बजे निकलेंगे तो आप 8:30 या फिर 9 बजे आप बांकुड़ा पहुँच जाएंगे। तो मुकुट मणिपुर में अभी कोई ऐसा होटल वगैरह ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, एक दो ही होंगे शायद। तो मुकुट मणिपुर में आप नाइट स्टे मत कीजिए, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ आप लोगों को। तो आप जितना भी है मतलब शाम तक ही मुकुट मणिपुर में रहिए, और उसके बाद बांकुड़ा टाउन आप रिटर्न कर जाइए। नाइट स्टे जो है मतलब डे वन का जो नाइट स्टे है वो बांकुड़ा टाउन में ही आपको करना होगा। सो आप आते हैं डे टू में। सो डे टू में आपको जाना होगा शुशुनिया। तो अगेन शुशुनिया जो पहाड़ है वो बांकुड़ा का एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, और बांकुड़ा टाउन से शुशुनिया जो है वो लगभग 30 किलोमीटर दूर पे है।
सो आप मॉर्निंग में सुसुनिया चले जाइए और दोपहर होते होते आप एक बैकुरा टाउन जो है वो रिटर्न कर जाइए, क्योंकि सुसुनिया में जो है वो अभी रिसेंटली दो होटल ही जस्ट बना हुआ है, वहाँ पर ज़्यादा होटल नहीं है और आपको छतना के बाद कोई भी ATM वगैरह आपको वहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि सुसुनिया जो है वो एक गाँव है और वहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह भी ज़्यादा कुछ है नहीं, जितना भी है वो शाम तक बंद हो जाता है, तो रात में आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है अगर आप सुसुनिया में स्टे कर रहे हैं, तो वो मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। आपको बांकुड़ा पहुँच जाना है, अगर आप बांकुड़ा नहीं पहुँच सकते तो एटलीस्ट छतना ज़रूर पहुँच जाइए। छतना जो है वो सुसुनिया से लगभग 10 किलोमीटर के ही दूरी पे है, तो आप छतना ज़रूर पहुँच जाइए। मतलब बांकुड़ा सुसुनिया रूट पे, अगर बांकुड़ा के बाद सबसे बड़ा जगह की अगर हम बात कर लें तो वो छतना ही है। तो छतना में आपको होटल का कोई कमी नहीं मिलेगा और रेस्टोरेंट वगैरह भी काफ़ी है, तो आप छतना भी आ सकते हैं। तो मैं कंसीडर करता हूँ कि आप बांकुड़ा भी आ गए हैं और डे टू का जो भी नाइट स्टे है वो बांकुड़ा टाउन में ही आप कर लिए। अब बात करते हैं डे थ्री के बारे में। सो डे थ्री में आपको जाना होगा गंगा जल घाटी और अमरकंटक। अमरकंटक में एक पहाड़ है, उसका नाम है कोरो पहाड़ और उसको तपोवन पहाड़ भी कहते हैं। तो वहाँ पर एक आश्रम है और मंदिर है, तो वो दोनों को आप विजिट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको जाना होगा गंगा जल घाटी, वहाँ पर साली रिवर के ऊपर डैम बना हुआ है, तो उसको उस डैम का नाम है कंगदुआ डैम, तो वो भी एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है और अभी रिसेंटली वहाँ पर बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, वो आप ज़रूर से विजिट कीजिए। ठीक है, तो आप मॉर्निंग में निकल जाइए अमरकंटक और गंगा जल घाटी को देखने के बाद आप वही शाम होते होते आप बांकुड़ा पहुँच जाइए, मतलब रिटर्न कर जाइए। तो डे थ्री का भी नाइट स्टे आप बांकुड़ा में ही कीजिए। तो मेरा यही रिकमेंडेशन है कि आप डे वन, डे टू, डे थ्री, जैसा मैंने बताया कि तो का जो भी नाइट स्टे है वो बांकुड़ा टाउन में ही होगा, क्योंकि मेरा रिकमेंडेशन है। आप चाहे तो आप बुक कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, लेकिन मेरा अगर आप कहना मानते हैं तो बांकुड़ा में ही स्टे कीजिए, आपको ज़्यादा अच्छा होगा। तो गंगा जल घाटी में आपको रिसेंटली बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन मेरा जो प्लेलिस्ट है वो बहुत ही पुराना है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। अभी रिसेंट डेवलपमेंट के बाद मैं अभी वहाँ पर वीडियो मेरा अभी नहीं है, तो आप मेरा जो ये वीडियो देख रहे हैं मतलब डिस्क्रिप्शन में जो है वो बहुत ही पुराना है, तो वो आप चाहे तो देख सकते हैं या फिर नहीं भी देख सकते हैं। सो सुसुनिया का भी जो है वो प्लेलिस्ट में डाला हुआ हूँ, तो सुसुनिया में बताना भूल गया था। तो दो चीज़ें हैं, एक है आपका सुसुनिया मेन पहाड़ है और दूसरा है मरुत पहाड़ इको पार्क, तो ये दोनों को आपको देखना होगा सुसुनिया, तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं डे फोर की। तो डे फोर में आपको जाना होगा सालतोड़ा। सालतोड़ा में बिहारीनाथ हिल है, सो बांकुड़ा का सबसे ऊंचा अगर पहाड़ आप बोले तो वो बिहारीनाथ ही है, और सालतोड़ा जो है वो बांकुड़ा और आसनसोल का बीच में पड़ता है, लगभग बांकुड़ा और वेस्ट बर्धमान का जो भी डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर है वहीं पर ही लगभग पड़ता है, मतलब टांगर रिवर के उस तरफ है आपका आसनसोल और इस साइड पर है आपका सालतोड़ा। सो बिहारीनाथ में आपको दो चीज़ें देखने के लिए मिलेगा, एक है आपका टेम्पल है बिहारीनाथ टेम्पल और दूसरा है मिन बिहारीनाथ पहाड़। तो बिहारीनाथ में आपको वही अगेन सुबह मॉर्निंग को निकल जाना होगा, क्योंकि बिहारीनाथ जो है वो बांकुड़ा से 60 किलोमीटर दूर पे है। अगर आप आसनसोल से उस साइड से आ रहे हैं, आसनसोल धर्मवाल उस साइड से, तो आप डे वन को बिहारीनाथ भी आप चूज कर सकते हैं। तो मैं ये जस्ट आपको एक गाइड दे रहा हूँ, आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप चाहे तो अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। सो मैं बोल रहा हूँ कि डे फोर में तो आप उसको डे टू में कर सकते हैं, डे वन में कर सकते हैं, तो आप चाहे तो वो अपने हिसाब से उसको सजा सकते हैं। सो डे फोर की अगर हम बात कर लें तो आपको बिहारीनाथ जाना है मॉर्निंग को,
और एकदम शाम होते होते आपको बांकुड़ा आ जाना है। तो डे फोर का भी नाइट स्टे जो है वो बांकुड़ा टाउन में ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेन बांकुड़ा टाउन से। अब आपको जो है डे फाइव की अगर हम बात कर ले तो डे फाइव में आपको मॉर्निंग को निकलना होगा बिष्णुपुर के लिए। तो मेन बांकुड़ा टाउन से बिष्णुपुर टाउन जो है वो लगभग 40 किलोमीटर दूर पे है। तो आपको बिष्णुपुर सुबह निकल जाना होगा। डे फाइव की हम बात कर रहे हैं। सो डे फाइव में ही आपको सुबह मॉर्निंग को बिष्णुपुर जाने के बाद, अब बिष्णुपुर में भी बहुत सारा एंशियंट टेम्पल्स है, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टूरिज्म इंडिया के ऊपर पहले ही लिस्ट बना हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं कि बिष्णुपुर में क्या क्या देखने लायक चीज़ें हैं। तो बिष्णुपुर में अब बहुत सारा टेम्पल्स है, उसको आप विजिट कर लीजिए डे फाइव में। अब डे फाइव का जो नाइट स्टे है वो आपका होगा बिष्णुपुर में। तो बिष्णुपुर में बहुत सारा होटल है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आप चाहे तो आप हाई स्कूल मोड, बिष्णुपुर का एक जगह है हाई स्कूल मोड, तो वहाँ पर आप घूम सकते हैं। तो वहीं पर ही आपका जो रास मंच है वो वहीं पर ही है उसी जगह पे, और उसी रास मंच के आसपास भी बहुत सारा रेस्टोरेंट है, दुकान है, आपका होटल भी है। तो आप हाई स्कूल मोड में ही स्टे कर सकते हैं नाइट। तो ये हो गया आपका डे फाइव। अभी हम बात करते हैं डे सिक्स की। तो डे सिक्स में आपको जाना होगा वनलता के लिए, और उसी के साथ आप वनलता जब जाएंगे बिष्णुपुर से तो आप क्रॉस करेंगे जयपुर। मैं राजस्थान का जयपुर नहीं बोल रहा हूँ, मैं बांकुड़ा का जयपुर बोल रहा हूँ। तो बांकुड़ा में भी एक जयपुर है, वो भी एक फेमस जंगल से घिरा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लगता है वो जयपुर जंगल। तो जयपुर जंगल हम देख सकते हैं। और दूसरा जो है वो आप बनालोता रिसोर्ट, तो वो बनालोता रिसोर्ट जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा मतलब खूबसूरत सा एक जगह है, तो आप उसको विजिट कीजिए। और डे सिक्स का जो नाइट स्टे है वो आप बनालोता में ही कीजिए, मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। बनालोता में अगर आप स्टे कर सक अगर आप करेंगे तो आपको एक चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप बिष्णुपुर से अगर आप कोई भी रेंटेड गाड़ी ले रहे हैं तो उसको आपको पूरे रात को वहीं पर ही डिटेन करना होगा, क्योंकि बनालोता में आपको कोई भी गाड़ी नहीं मिलेगा। अगर आप गाड़ी को छोड़ दिए हैं तो आप बनालोता में फंस जाएंगे, क्योंकि बनालोता जो है वो बिल्कुल भी मतलब ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर आपको गाड़ी मिलेगा, तो बिल्कुल जंगल के बीचों बीच बना हुआ है। तो आपको बिष्णुपुर से ही गाड़ी को बुक करना होगा और उसी को ही रात को डिटेन करना होगा। अगर आप खुद के गाड़ी से जा रहे हैं तो तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप रेंटेड गाड़ी ले रहे हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो उस डे सिक्स का नाइट स्टे अपने बनालोता में ही किए हैं, और अगर आप उसको डिटेन नहीं करना चाहते तो आप रात को रिटर्न कर जाइए बिष्णुपुर, तो यही आपको बेहतर होगा। लेकिन आपको अगर आप बनालोता में स्टे कर रहे हैं तो आपको गाड़ी से ज़रूर मतलब आपको गाड़ी को डिटेन करना होगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे। और उस रूट पे बस कितना मतलब आना जाना है वो मुझे अभी नहीं पता है, उसका इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं आपको कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। तो मेरे हिसाब से जो है वो आपको गाड़ी को डिटेन ही करना होगा अगर आप बनालोता में नाइट स्टे कर रहे हैं। और मैं यही बोलूँगा कि आप बनालोता में ही स्टे कीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पर नाइट का भी बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर। और बनालोता रिसोर्ट में भी मतलब दिन में हो या रात हो, दोनों टाइम में ही आपको खाने पीने का कोई काम नहीं मिलेगा। ठीक है, वहाँ पर मतलब पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स एरिया है, तो उसके अंदर ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डे सिक्स। अब बात करते हैं डे सेवन, जाना होगा जयराम बाटी। ठीक है, तो जयराम बाटी में आपको बहुत सारा मतलब टेम्पल्स आपको मिल जाएगा, और भी बहुत सारा जगह है। तो वो जयराम बाटी मैं अभी नहीं गया हूँ, तो इसलिए उसका जो है प्लेलिस्ट आपको नहीं मिलेगा। बनालोता का भी प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, लेकिन जयराम बाटी में अभी
इसलिए नहीं किया हूँ, तो इसलिए उसका जो है आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन जयराम पार्टी भी बहुत सारा टूरिस्ट प्लेस है, तो वो आप विजिट कर सकते हैं डे 7 को। ठीक है, अब डे 7 का जो नाइट स्टे है वो मैं नहीं इंक्लूड करता हूँ, क्योंकि जयराम पार्टी जो है वो बांकुड़ा का लास्ट जो है टूरिस्ट प्लेस मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब जयराम पार्टी से आप चाहे तो उसके नियरेस्ट जगह है कमार पुकुर, तो वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। लेकिन कमार पुकुर जो है वो हुगली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, तो वो इस वीडियो में मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। जब मैं हुगली टूरिज्म के ऊपर बात करूँगा तो उस वीडियो में मैं कमार पुकुर को इंक्लूड करूँगा। ठीक है, ये मैं सिर्फ बांकुड़ा टूरिज्म के ऊपर बात कर रहा हूँ, बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितना भी टूरिस्ट स्पॉट है उसी को ही मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ, इसीलिए कमार पुकुर को मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ इस वीडियो से। तो आप चाहे तो आप डे 7 को आप कमर कुकुर भी जाइए। ठीक है, वो आपको ज़्यादा मतलब बांकुड़ा के करीब ही पड़ता है, लेकिन वो हुगली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, तो इसलिए उसको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये रहा पूरा बांकुड़ा टूरिज्म। तो ये जो बांकुड़ा टूरिज्म ये जो वीडियो है ये कम्प्लीट होता है डे 7 में। ठीक है, आप चाहे तो इस डे 7 को आप डे 5 कर सकते हैं, डे 6 कर सकते हैं, या फिर आप डे 8 या फिर डे 9 कर सकते हैं, तो आप अपने अनुसार उसको शेड्यूल कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये यहीं पर ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो वीडियो है वो नेक्स्ट वीक को आएगा मंगलवार को, और वो होगा पुरुलिया टूरिज्म के ऊपर। बांकुड़ा में ज़्यादा घूमने लायक जगह नहीं है, लेकिन पुरुलिया में आपको बहुत ही ज़्यादा मस्त मस्त जगह मिलेगा, तो वो वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीक मंगलवार को, वो वाला पुरुलिया टूरिज्म के ऊपर वीडियो आपको मिल जाएगा। सो चलिए भाई लोग, फिर मिलता है किसी दूसरे वीडियो पे। सो टिल देन, बाय बाय।